और राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल ने 29 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रकोष्ठ खेल अधिकारी चौधरी चरण सिंह ने संदेश रथ यात्रा का आयोजन किया। साथ ही 10 दिसंबर से यात्रा शुरू होगी, जो कि सराहनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद से होती है। 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट पर समाप्त होगी, जिसके बाद खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरपाल सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य के लिए हम प्रयासरत हैं। अभी तक हमने हर ब्लॉक स्तर पर हमने 152 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया है। उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जितने एशियाई खेलों में पदक जीत कर आए, सबके घर घर जाकर, गांव गांव में जाकर उनको सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया सबको। और अब अपनी सांसद निधि से वहीं पर स्टेडियम बनवा रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा रहे हैं, कई सिंथेटिक ट्रैक बनवा रहे हैं, कई बास्केटबॉल कोर्ट बनवा रहे हैं, और जितनी हमारी अकेडमियाँ चल रही हैं।